विकास खंड में आने वाले रूबर्न ग्राम मुरमुंदा में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विभा पांडे अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़ थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में संध्या देश पांडे अधिवक्ता और साथ में स्मिता नायर शाखा प्रबंधक SBI डोंगरगढ़, रेखा पंजवानी, आकांक्षा रोहित मारे सीए और ज्योति मिश्राम साथ में अन्य क्षेत्रों अग्रणी महिलाएं थी। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत मनाली वशनिक शाखा प्रबंधक SBI मुरमुंदा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। तत्पश्चात महिला समूहों के महिलाओं और बैंक मित्र के महिलाओं द्वारा स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विभा पांडे ने अपने उद्बोधन में महिलाओं के लिए बनाए गए कानून के बारे में बताया। वहीं भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के जीवन पर भी प्रकाश डाली, सीता माता और द्रौपदी के जीवन पर भी उदाहरण दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आसपास के समूहों के महिला, ग्राम की महिलाएं और विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी महिलाएं और स्कूल की छात्रा उपस्थित थे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। मैं ज्योति मिश्राम शासकीय उच्चतर माध्यमिक मुरमुंदा शाला से आती हूँ। मैं लेक्चरर हूँ। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय जो है वो नारी का समय है। संवैधानिक अधिकारों के तहत सभी को बराबरी का हक प्रदान मिला हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हर एक बालिका अपने हक को पहचानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला डे के उपलक्ष्य में मुरमुंदा में ही ये आयोजन करने का मेरा इसका उद्देश्य ये था कि मुरमुंदा में शिक्षा के क्षेत्र में, आपके मेडिकल के फील्ड में, बैंकिंग के क्षेत्र में तथा लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो लीड कर रही हैं। आप मैडम आई हुई हैं SBI से, ब्रांच मैनेजर डोंगरगढ़ ब्रांच से। मैं मुरमुंदा शाखा की शाखा प्रबंधक। आप ADJ मैडम जो है वो डोंगरगढ़ से आई हुई है, और देशपांडे मैडम जो कि अधिवक्ता है, लेडी अधिवक्ता। उसका एक कारण है कि महिलाओं को बैंक जो है वो लोन दे रहा है। मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 107.75 करोड़ रुपए का ऋण महिलाएं ले चुकी हैं और उनको चुका भी रही हैं। वो उसके लिए वो दिए बनाती हैं, गोबर के गौठान में काम करती हैं, गौशाला में गौ पाल रही हैं, मुर्गी पाल रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, मसाले बना रही हैं, अचार, बड़ी, पापड़, सब कुछ बना रही हैं। और इतनी सक्षम हो गई कि आज अपने परिवार का कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। इसके मुझको बहुत खुशी है। जी के महिलाओं को आजीविका बढ़ाने के लिए बैंक से लोन वितरण करवाते हैं ताकि वो अपनी आजीविका बढ़ाकर अपने पैर पर सक्षम हो सके, उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि कई महिलाओं को आर्थिक स्थिति की सब कमी रहती है, इसके लिए पैसे वैसे के कारण उन्हें बैंक में लोन वितरण कराते हैं ताकि उनके आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और आगे काम करना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर शाखा प्रबंधक मुरमुंदा मनाली वासनिक मैडम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। यहाँ उपस्थित होकर मुझे ग्रामीण बहनों से मिलकर के अत्यंत ही हर्ष महसूस हुआ। मैंने देखा कि यहाँ महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि वह ऐसे ही अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती रहें और अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। रास्ते में आने वाली बाधाओं से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में मुझसे उनके लिए जितना भी सहयोग हो पाएगा वो मैं सहयोग करने का पूरी चेष्टा करूँगी।